और ये गाड़ी मालकन, ये गुजरात की गाड़ी आप देखो, ये भी गुजरात की गाड़ी भी हमारे रोड पे आके लग जा रही है, पार्किंग हो रही है। तो इसके लिए हमने गांधीगिरी शुरू किया, हम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज इस्तकबाल कर रहे हैं, अगर कॉरपोरेशन का जो स्क्वाड है हरामखोर, जो पैसा खाने के लिए सिर को बना है, जो पूरे शहर में पैसा खाता है, उसको चेतावनी दे रहे पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक ऑफिस, उन्होंने भी तवज्जो देना चाहिए। और नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रवादी सेवा दल के लोग और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हवा खोलने का काम करेंगे। अगर ये पार्किंग रहेंगी तो सब चारों टायर की हवा खोल दी जाएगी और कोई भी कार्यकर्ता कभी भी हवा खोल देगा, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, बल्कि वो गाड़ी मालक और प्रशासन होगा। इसके लिए ये तहरीक के लिए हमने आइंदा इस तरीके की हरकत थी कि अच्छे मैदान में तैयार करो, हाईवे पे करो, इतनी भैया को भी रोजगार मिलेगा। सिर्फ और वाहतूक का पैसा कैसे बचे, ये गरीबों के पेट के पैसे या हमारे इस तरह वाले गाँव में जाते, क्योंकि वहाँ पे वाला ज्यादा देना पड़ेगा ट्राली वालों को, हमालों को, इसके लिए गाड़ी अंदर डालना क्योंकि कम भाड़ा देना पड़ेगा। ये जरा तरीका अच्छा नहीं है। तो इसके बाद गाड़ी अगर हम लोगों को दिखेगी, हम पुलिस को भी लेटर देंगे और टायर की हवा खोल देंगे। एमजी पेट्रोल पंप ताज होटल के पास में है, आज थोड़ा डिसिप्लिन नजर आ रहा है, गाड़ियां साइड में नजर आ रही, लेकिन जानबूझकर मैं यहां पर ये ऐलान करने के लिए खड़ा हूं कि हमारे जाने के बाद दोबारा इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं। और यहां पर जितनी भी गाड़ी लगती है ये फितरती लोगों की लगती है, मैं एकदम साफ बोलता हूं। हम लोग आज ऐलान करेंगे, कुछ दिन का टाइम देंगे और उसके बाद अगर गाड़ियां रोड पर नजर आई, चाहे वो भरी गाड़ी रहे, लोडिंग गाड़ी रहे, खाली गाड़ी रहे, हम लोग उसका हवा खोलने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन जिस दिन मैं टाइम टेबल और तारीख बोलूंगा उस रोज, तो तमाम ही लोग यहाँ के जो गाड़ी मालकान है, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो ये बात को नोट कर ले। और आपको भी इजाजत होगी कल हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाने की, और हम लोगों को भी इजाजत है कि कानूनी कार्रवाई करने की। सब कुछ बहुत आवाम की हिम्मत कर रही है इलाके की, रोड के ऊपर कुर्सी लगा के लोगों को चाय पिला रहे हैं और करते हैं। होटल चलाने वाले सबसे है, यहाँ पर जो रोड के ऊपर गाड़ियां और ट्रैफिक रहती है, मेहरबानी करके आप भी अंदर लगाए पार्किंग। तमामी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के तमामी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शहर का एक बहुत अहम जो मालेगांव शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ है तो ये जूना आगरा रोड पर है। और हम लोग ने अभी तमाम ही कार्यकर्ताओं के साथ में देवी के मल्ले से लेकर शिवाजी पुतला अशोका होटल तक
अभी आप मीडिया वालों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पैदल मार्च किया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रक खड़ी हुई थी, लोडिंग गाड़ी खड़ी हुई थी, गुजरात पासिंग थी, कर्नाटक पासिंग थी, अलग अलग राज्य अलग अलग जिला पासिंग की गाड़ियां हम लोगों को रास्ते पे पार्किंग करते हुए नजर आई। और उसी के साथ साथ ट्रैक्टर है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई होटल वाला है, हर किस्म की अतिक्रमण, हर किस्म का अतिक्रमण ये रोड के ऊपर आप लोगों को नजर आया। हम लोगों ने दो दिन पहले ऐलान किया था कि हम लोग फुल उनका इस्तकबाल करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तनकीद जुमला हमारा था कि हम तनकीद उन पर हमने की थी, तो हमारा एक तनकीदी ये एहतजाज था कि भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आप अतिक्रमण कर रहे हो, आवाम को तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए झेंडू का फूल, जो पीला फूल आपने देखे, हम लोगों ने कई फुलहार सबको पहनाया। असल में सवाल ये हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, जहां पर आवाम की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना करे, जहां पर गाड़ी वालों की जिम्मेदारी है, जहां पर दुकानदारों की जिम्मेदारी है, जहां पर छोटा मोटा व्यापार करने वालों की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करे, वहीं पर हम लोगों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। सियासी पार्टियों की, वर्करों की, लीडरान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अतिक्रमण वालों को जाकर अपील करे कि आप अपना अतिक्रमण हटाए। ये जिम्मेदारी किसकी है, सवाल ये सबसे बड़ा है। ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर की है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, अलग अलग प्रभाग में अलग अलग स्कॉट बनाकर अतिक्रमण दस्ता बनाया गया। लेकिन आज अतिक्रमण दस्ते की रिपोर्ट आप ये देखेंगे तो रुपया नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, दस्ता आता है पैसा दे दो नचाते और चले जाते हैं, सिर्फ वो पैसा 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 मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है। और इसके अंदर कमिश्नर और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे निकम्मा यह शहर का हो गया है, सबसे निकम्मा अगर डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण दस्ता है, जो ये शहर को, शहर के मासूम मासूम बच्चे, जो हजार नहीं लाखों बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं, तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वहीं पर जहां अगर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वहीं पर ट्रैफिक ऑफिस की, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं पर शहर का आरटीओ नंबर अलग है। ऐसा नहीं कि नासिक से आरटीओ को आना पड़ता है, आरटीओ नंबर अलग है, MH 140 है, आरटीओ ऑफिस 13 के अंदर है, एक सीनियर और 3 जूनियर और कई आरटीओ है, लेकिन आरटीओ कहां पे नजर आएगी, हाईवे पर। ट्रैफिक पुलिस कहां नजर आएगी, हाईवे पे कानवाई करती है और 100-100-100-100 जमा करती है, 100 रुपया 200 रुपया 2000 3000 5000 की तोड़ी करने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट और यहां का ट्रैफिक ऑफिस डिपार्टमेंट करता है, सिर्फ पैसा जहां मिलेगा वहां पर जाके ड्यूटी करते हैं। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्जाम है, और नहीं तो मैं कई पैसा लेते और देते हुए मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से और आरटीओ से कि वो दिन आपको ना देखना पड़े कि मैं जो मैंने शूटिंग किया हूं वो मैं वायरल कर दूं और आपकी सर्विस, आपकी नौकरी चले जाए। इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि रास्ते के ऊपर कौन सी गाड़ी है। पुलिस तो कानवाई लगाती है, नौजवानों को पकड़ती है, लेकिन ये रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक होता है, ये रात में जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात में मेला लगा रहता है, ठीक है शहर के लोग जाते हैं, हमारा ना नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक जगह जमा होते हो, ऐसी खुली जगह के ऊपर आप जमा होकर या हाईवे के ऊपर कहीं एक स्पॉट तय करो, वहां पर सब लोगों को, हाईवे से लोग जाते हैं बाहर गांव में, तुम शहर के अंदर या आरटीओ को नहीं दिखता है क्या? मैं माफी चाहता हूं, मैं ट्रक मालकान, मालेगांव के ट्रक मालकान या फोर व्हीलर वाले मुझसे नाराज होंगे आज हमारी पार्टी से, लेकिन आज हम ये वोट के खातिर नहीं कर रहे, हम ये शहर के लाखों बच्चों के मुफाद में, उनकी हिफाजत हो, शहर की आवाम की हिफाजत हो, इसके लिए हमने कदम उठाया। मैं आज साफ तौर पर आप लोगों के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
प्रशासक तथा कमिश्नर गोसावी साहब, टाउन प्लानर टीपी साहब, चारों प्रभाग के प्रभाग अधिकारी और उनका अतिक्रमण का दस्ता, और साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब, तमाम ही पुलिस स्टेशन के पीआई, ट्रैफिक पीआई, उनका स्टाफ, आरटीओ, उनका पूरा स्टाफ, मैं आप लोगों के जरिए और हमारे शहर के प्रांत अधिकारी, मैं वो बात भूल गया, तहसीलदार साहब और उनके जो सर्कल ऑफिसर रहते, ये गांव का अगर रास्तों का सत्यानाश हो रहा है, ये गांव के रास्ते अगर सबसे ज्यादा कोई खराब कर रहा है तो कौन कर रहा है? रेती के ट्रक, रेती के 40-40 टन के ट्रक छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते हैं, 20-20 टन के ट्रक रेती का, बड़े बड़े सीमेंट के ट्राला ये गुजरता है, ये रास्ता भी खराब हो रहा है, लेकिन वो एक नंबर में नहीं आता टोटल माल, क्योंकि इनको हफ्ता स्टार होटल के ऊपर ही हफ्ता लेने इनके लोग पहुंचते हैं, चंदनपुरी पे, मालदे फाटे पे पहुंचते हैं, चौबुल्ली के ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि माल मिलता है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं धंधा व्यापार करने वालों के, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप हफ्ता दो मत दो, आप धंधा व्यापार करो लेकिन गांव के बाहर करो। ये तमाम ही डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है कि गणपति विसर्जन हमारे वहां 10 दिन का गणपति मनाया जाता है, त्योहार पहले दिन बैठाया जाता, 10वें दिन उसका विसर्जन होता है, ये हिंदू भाइयों का अच्छा बड़ा त्योहार है। हम आज गणपति तक का टाइमिंग देते डिपार्टमेंट को, अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता कभी भी आगरा रोड के मेन रास्ते की मैं बात करूं, इस बात को खास तौर पर ख्याल रखा जाए, अगर कोई भी लोडिंग गाड़ी या कोई भी अतिक्रमण करेगा उसकी हवा हम खोल देंगे, गाड़ी बैठ जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, वो कौन कार्यकर्ता करेगा मुझे भी मालूम नहीं रहेगा, और कल मुझसे आगे अगर पुलिस डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं भी ना बोलूंगा कि कौन था मुझे नहीं पता, सिर्फ आगरा रोड के लिए, और उसके खिलाफ में अगर फिर अब जरूरत पड़ेगी, अगर उसके बाद भी नहीं है डिपार्टमेंट हमारी बात, हमारी डिमांड पूरी करेगा, तो पूरे रास्ते के ऊपर तैयारी के साथ 15 दिन के बाद हम लोग राष्ट्रवादी का एक एक कार्यकर्ता आवाम के साथ सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा एहतजाज करेंगे। ये आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिपार्टमेंट इस बात को नोट करे, आप लोग ने पूरा कवर किया, इसलिए मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया।